हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रीति। तो आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप सब अपना जरूर बताइएगा। आजकल हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ कीजिए। तो आज मैं दुपट्टा का रिव्यू करने वाली हूँ। कल जो मैं आपको दुपट्टा का रिव्यू दी थी वो मेरे लोकल मार्केट से लिया गया था। तो आज जो मैं दुपट्टा का मैं रिव्यू करूँगी वो भी मेरे लोकल मार्केट का ही है, उसको भी मैंने ऑनलाइन परचेस नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फर्स्ट दुपट्टा, ये है ग्रीन कलर का दुपट्टा है। आपको किसी भी आउटफिट के साथ अच्छे से जचेगा और खासकर यदि आप कॉटन का सूट पहने हुए हैं, सुपर। और इसमें है ये देखिए, ये ऑर्गेन्जा कपड़ा है। इसमें साइड में बॉर्डर इसमें दिया हुआ है, बॉर्डर वर्क किया हुआ है, पर इसमें कोई भी थ्रेड वर्क नहीं है। ये केवल सिल्क से ये वर्क किया हुआ है। दूसरा है सिल्क प्लस ऑर्गेन्जा मिक्स ये टैशल्स है। देखिए सारे टेसल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। इस जगह पे ये बॉर्डर छोटे, यहाँ पे केवल ऑर्गेन्जा का टेसल्स है। इसी कपड़ा से टेसल्स भी दिया हुआ है। इस तरफ में भी बॉर्डर दिया हुआ है सिल्क प्लस ऑर्गेन्जा का। दोनों तरफ टैसल्स दिए हुए हैं और इस तरफ में क्रीम कलर का बॉर्डर दिया हुआ है। इससे कुछ दूरी पर क्रीम कलर का यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है। यहाँ पे गोल्डन वर्क है, यानी कि गोल्डन सिल्क प्लस ऑर्गेन्जा वर्क मिक्स है। यहाँ पे यहाँ पर है बीच में यहाँ पे वर्क किया हुआ है, थ्रेड वर्क है। ये लोरस आता है ना, लोरस कहते हैं उसको, पता नहीं और उसको क्या बोलते हैं, पर उसको लोरस ही कहते हैं, उसका ये वर्क है। लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्श भी नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा तो लगता है इसमें। और इसमें वो डिजाइन दिया हुआ है, ये आपको पूरे दुपट्टा पे ये वर्क मिलेगा करके, पूरे दुपट्टा पे इसका वर्क मिलेगा। यहां से यहां है, पूरे दुपट्टा पे है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। ये 2.5 मीटर से कुछ कम है, 2.25 मीटर है ये दुपट्टा, पर इसकी चौड़ाई काफी अच्छी है, इसकी चौड़ाई काफी अच्छी है, काफी चौड़ाई है इसकी। और ये काफी अच्छे दुपट्टा है। आप इसको एक साइड भी यदि आप कैरी करते हैं तो काफी अच्छा लगेगा। यदि आप दोनों साइड आप यहाँ पे पील लगा के फिर भी यदि आप कैरी करते हैं तो काफी अच्छा लगेगा। ये लाइट ग्रीन कलर का है। दूसरा है ये है, ये है दुपट्टा,
ये भी लोकल मार्केट से लिए हुए हैं। हाँ, सबसे पहले एक बात, ये जो दुपट्टा है ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है, वो जब बाहर घूमने के लिए गई हुई थी। तो आपको जो कल मैंने जो रिव्यू शेयर किया हुआ था दुपट्टा का, वो दोनों दुपट्टा और ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है। ये है दुपट्टा, ये है येलो कलर का, और इसके नीचे में बीट दिया हुआ है, काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर है लोरस का ये वर्क किया हुआ है, लोरस का ये वर्क किया हुआ है और इसके बीच बीच में बीट डाला हुआ है, व्हाइट कलर का पर्ल है। और यहाँ पे 1 इंच का ये बॉर्डर दिया हुआ है, 1 से 1.5 इंच का ये बॉर्डर है जिसपे की सिलेटी कलर, ग्रे कलर का ये बॉर्डर दिया हुआ है। ये काफी सॉफ्ट है ये बॉर्डर, और ये कपड़ा भी काफी अच्छा है, ये भी सॉफ्ट है। बीच में इस तरह है, इस तरह से पूरे में ये वर्क किया हुआ है। और इसके थोड़े थोड़े दूरी पे टैसल्स लगा हुआ था, लेकिन ये टैसल्स कमजोर होने के वजह से, ये केवल रेडीमेड होता है तो होता है ना, सिर्फ ऐसे ही बस फंसा दिया है, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे इसका टैसल्स था, पता नहीं वो कहाँ गिर गया है। और एक ये साइड में है, बीच में आपको 4 टैसल्स मिल जाता। और इसके एक तरफ में ये बीट का वर्क किया हुआ है इस तरह का कुछ, तो ये आपको कुछ ऐसे होगा, इसको आपको ऊपर की ओर पेयर करना है, ऊपर की ओर आपको इसको कैरी करना है और नीचे की ओर ये कुछ ऐसा रहेगा। दूसरा है ये, इसमें बंदेज वर्क दिया हुआ है और ये मार्बल का है, ये मार्बल कपड़ा है, मतलब इसमें प्योर कपड़ा कुछ दूसरा दिया हुआ है, पर ये मार्बल की तरह, जैसे सिल्वर मार्बल में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। और इसमें बांधनी प्लस बंदेज वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरे दुपट्टा पे वैसे ही वर्क। और इसके दोनों तरफ में इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है, ये बॉर्डर है और इस तरफ में ये बॉर्डर, ये काफी अच्छा है। पर इसकी लंबाई अधिक है, 2.5 मीटर है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो काफी कम है। ये देखिए इसकी चौड़ाई, ये काफी कम है, मीन्स यदि आप एक साइड में यदि आप केयर कैरी करते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। आजकल तो मार्केट में जो दुपट्टा भी आ गया वो भी बिल्कुल वैसे ही है, काफ़ी लेंथ में काफ़ी छोटा रहता है, प्लस आपको चौड़ाई भी बहुत कम मिलता है, पतला भी बहुत रहता है। तो ये था मेरा दुपट्टा का रिव्यू, ये दोनों दुपट्टा मैं
लोकल मार्केट से ली हुई हूँ। एक मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है और एक मैंने खुद से लिया है, यानी मेरे हस्बैंड मुझे दिए हैं। तो आपको आज के वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।